subscribe now for all the latest and trending updates. सरोज खान बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोरियोग्राफर थी। उन्होंने 2000 से ज़्यादा गानों की कोरियोग्राफी की। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर काम ना मिलने में कई कठिनाइयों का सामना भी करा। उन्हें साल 2018 में रिलीज़ हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल से काम मिला था, लेकिन ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। सरोज ने इसके लिए कटरीना कैफ को ज़िम्मेदार बताया था। सरोज खान ने उस वक्त एक पोर्टल से बात करते हुए कहा कि कटरीना कैफ बिना रिहर्सल सॉन्ग पर काम करने के लिए मना कर रही थी। उन्होंने कहा था कि अब के डांस के हालात को देखते हुए वो इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं। वो किसी एक्ट्रेस को जज नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने वही देखा है जो वो अन्य कोरियोग्राफर ने किया हुआ होता है। कटरीना अच्छी दिखती हैं और उनके साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला था, लेकिन जैसे ही शूट शुरू होने वाला था उन्होंने मेकर्स को कहा कि वो बिना रिहर्सल के इस सॉन्ग को नहीं करेंगी और मेरा काम प्रभु देवा को दे दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सरोज को काम नहीं मिलने की खबरें जब मीडिया में सामने आई तो सलमान खान उनसे मिले और उन्हें अपनी अगली फिल्म में काम देने का वादा किया। सलमान और सरोज ने फिल्म बीवी हो तो ऐसी और अंदाज अपना अपना सहित कई सारी फिल्मों में पहले भी काम किया है। सरोज ने इंटरव्यू में कहा कि जब हम मिले सलमान ने मुझसे पूछा कि मैं इन दिनों क्या कर रही हूँ। मैंने उनसे ईमानदारी से कहा कि मेरे पास काम ही नहीं है और मैं यंग एक्ट्रेसेस को भारतीय शास्त्रीय डांस सिखा रही हूँ। वहीं ये सुनते ही उन्होंने कहा कि अब आप मेरे साथ काम करेंगी। मैं जानती हूँ कि सलमान अपनी जुमा के पक्के हैं, वो अपना वादा पूरा करेंगे। हालांकि सरोज को सलमान की किसी फिल्म में कोरियोग्राफ के लिए अभी तक मौका नहीं मिला था। उन्होंने करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के एक सॉन्ग तबाह हो गए कोरियोग्राफ किया और उससे पहले उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के सॉन्ग राजा जी को कोरियोग्राफ किया। ये दोनों ही फिल्में पिछले साल रिलीज हुई थी। सरोज ने साल 2016 में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर उन्हें इग्नोर करने तक के आरोप लगाए थे। सरोज ने कहा था कि एक बार एक पेशेंट सलमान खान से बात करना चाहती थी। इसी के सिलसिले में सरोज ने अपने एक साथी से कहा कि वो सलमान को फोन दे और कहें कि मास्टर जी बात करना चाहती हैं। सरोज ने कहा कि सलमान ने उनका फ़ोन लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बेहद बुरा रवैया है, वो मुझे जानते हैं और कितनी फिल्मों में हमने साथ काम किया है, लेकिन इस तरह का व्यवहार अपमाननीय है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.